रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये एक एक नंबर की टर्म्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आती ही आती हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, पीवी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो जो हम सांस छोड़ते हैं और जितना सांस हम लेते हैं नॉर्मली, तो वो लगभग 500 मिलीलीटर, आधा लीटर के आसपास होता है। तो वो एक टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और यदि हम 1 मिनट में इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी यदि मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, जैसे हमने देखा था 12 से 16 बार सांस लेता है एक अडल्ट ह्यूमन, तो 12 से 16 की यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 6000 मिलीलीटर, या फिर 6 लीटर से 8 लीटर जो हम एयर है वो 1 मिनट में अंदर लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV बोलते हैं इसको। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब हम एकदम जो लंबी सांस लेते हैं पूरी, जितनी ज़्यादा उसके, तो उतनी सांस के अंदर जितना भी जो एक वॉल्यूम है एयर का वो हम इनहेल करते हैं, तो उसको हम IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये किस कितना होता है? 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास IRV की वैल्यू होती है। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि जब हम जो सांस है, जितना हमारी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से हम जितना ज़्यादा उसके जो फेफड़ों की जो एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, मतलब पूरे बलपूर्वक, तो उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ERV। और ये कितना होता है? 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर से 1100 मिलीलीटर के आसपास ये इसकी वैल्यू होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन। जब हमने सांस जितना हो सकता है वो बाहर छोड़ दिया है, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर एयर बिल्कुल खाली नहीं होती है, कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ। और वो कितनी होती है? 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर तक जो एयर है वो बची रह जाती है। उसके बाद है कैपेसिटीज, ये हमने अलग अलग वॉल्यूम डिस्कस की हैं। उसके बाद है कैपेसिटीज, सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसके बाद जो लंबी सांस लेते हैं अंदर, तो वो कितनी कैपेसिटी है, कितना वो एक प्रकार का, एक हमारी कैपेसिटी का मतलब है शक्ति कितनी है सांस को अंदर लेके जाने की, तो उसको कैसे निकालते हैं? जो टाइडल वॉल्यूम है जो एक नॉर्मल सांस में हम लेके जाते हैं, और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे ऊपर हम देख सकते हैं 500 मिलीलीटर को, और यदि हम IRV मतलब 2500 से लेके 300 को जोड़ देते हैं तो कितना जाता है? 3000 मिलीलीटर से 3500 मिलीलीटर तक की जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। तो ये वैल्यू ऊपर से निकाल के देखनी पड़ती हैं, वो जो वन मार्क क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती हैं, तो यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रखी हैं, यहाँ पे जस्ट फार्मूला बता रखे है, उस बेस पे हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो ये क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब एक पर्सन नॉर्मली सांस लेता है और उसको फोर्सफुली बाहर निकालता है, तो उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों का सम होता है। और यदि यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं? जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, इसमें 500 ऐड कर देंगे, इसमें 500 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 1500 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर के बीच में जो कैपेसिटी होती है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको FRC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। जब हम नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम जो एयर रह जाती है हमारे लंग्स में वो कितनी होएगी? इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ERV हमने ऊपर निकाला था 1000 टू 1100 मिलीलीटर, तो इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है? 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे? जो पहले वाली वैल्यू है उसमें पहले वाली वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे 1100 है तो उसमें मतलब जो 1000 है तो उसमें 1100 ऐड करेंगे, और 1100 में 1200 ऐड करेंगे, तो जो ये वैल्यू आ जाती है 2100 से लेके और 2300 मिलीलीटर तक की जो वैल्यू है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी,
वीसी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सप्रेशन ई आर वी टी वी एंड आई आर वी का सम होता है। ये मतलब जो ज्यादा से ज्यादा जो वॉल्यूम है एयर का जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है कब, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन, मतलब जितना हमने सांस जोर से छोड़ा है उसके बाद सांस दोबारा जोर से लिया भी जाता है, तो इसमें सारी वैल्यू ऐड हो जाती है। कौन कौन सी? एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और आई आर वी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम देख सकते हैं 500, उसके बाद जो 2500 मिलीलीटर है, उसके बाद 1000 मिलीलीटर है, तो ये सारी जुड़ जाती हैं वैल्यू। तो यदि हम जोड़ें 2500 प्लस में 500, 3000 और 1000 कितना हो गया 4000, मतलब 4 लीटर से लेके जो इसमें 3500 और 3500 और 1100 4600, मतलब जो 4.5 लीटर है, मतलब 4 लीटर और 600 मिलीलीटर। तो जो 4 लीटर से लेके 4.5 लीटर तक जो वैल्यू होती है वो वाइटल कैपेसिटी की होती है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक पर्सन जो फोर्स्ड एक्सप्रेशन करता है उसके बाद वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी करता है। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो जैसे ऊपर देखा था हमने कि इसमें तो हमने वाइटल कैपेसिटी में तो जो एयर है वो लीक इतनी गई है अंदर एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद वो, लेकिन लंग्स के अंदर उस फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद एयर कितनी बची हुई है, तो उसमें क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है। यदि हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी वो आ जाती है। जैसे वो कितनी आई थी हमारी, 4000 मिलीलीटर टू 4600 मिलीलीटर, मतलब 4000 मिलीलीटर से 4600 मिलीलीटर के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे अभी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो 1100 मिलीलीटर और 1200 मिलीलीटर। तो ये कैसे ऐड करेंगे, 4000 मिलीलीटर है उसमें तो हम 1100 ऐड करेंगे तो 5100 हो जाता है, और जो 4600 मिलीलीटर है उसके अंदर हम 1200 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो वो 5800 मिलीलीटर हो जाता है। तो जो 5100 से लेके 5800 मिलीलीटर तक जो एक वैल्यू होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी को डिनोट करती है। तो ये वैल्यू बड़ी याद रखनी पड़ेगी हमको, यहाँ से हम जस्ट एक फार्मूला है वो समझ सकते हैं।